गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नाइन। व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स। देखिए व्हाट क्या हैपन घटित हुआ टू द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं रैंक कर चलने वाले या फिर सरीसृप। सरीसृप के साथ क्या घटित हुआ देखिए चैप्टर में क्या है। यू मे हैव नॉट बिलीव दिस स्टोरी। यू मे नॉट हैव बिलीव दिस स्टोरी। तुम इस कहानी पर विश्वास नहीं करोगे। बिलीव होता है विश्वास करना। बट लेकिन आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये सच है। बिकॉज आई हैव बीन टू पम्बूपति। क्योंकि मैं पम्बूपति में रहा हूँ। अ विलेज एक गांव ऑन द एज ऑफ द जंगल किनारा। अ विलेज एक गांव ऑन द एज किनारे पर ऑफ द जंगल जंगल के। इट इज़ ऑन अ क्लिफ। क्लिफ होता है टीला पहाड़ी जो होता है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र पर बसा है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट और इसमें विशाल फॉरेस्ट जंगल घना जंगल है। स्ट्रेचेज फैला हुआ ब्लो नीचे लाइक अ मोसी ग्रीन कारपेट। मोसी हरा भरा जो होता है वो ग्रीन कारपेट कारपेट होता है कालीन। कि ये जो गांव है अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। ये जो गांव है जंगल के किनारे में बसा हुआ है। इट इज़ ऑन द क्लिफ एक पहाड़ी क्षेत्र पर। और ये एक जो जंगल है उसके जंगल है जिसके नीचे फैला हुआ है। हाँ फैला हुआ है पम्बूपति के नीचे फैला हुआ है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल यहाँ है विभिन्न तरह के लोग। इन द विलेज गांव में डार्क काले फेयर गोरे टोल लंबे शॉर्ट पतले। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेज। वे स्पीक बोलते हैं मैनी बहुत लैंग्वेजेज भाषा। वे विभिन्न प्रकार की भाषाएँ बोलते हैं। सम ईट मीट कुछ मीट खाते हैं मांस खाते हैं। सम डोंट कुछ नहीं। सम प्रे इन अ स्मॉल कुछ प्रार्थना करते हैं एक छोटे मंदिर में। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के किनारे पर। अदर प्रे इन अ मॉस्क सम मीन्स अवे कुछ मस्जिद में प्रार्थना करते हैं। सम मीन्स अवे कुछ मील दूरी पर। माई नेम इज़ प्रेम मेरा नाम प्रेम है। आई लिव मैनी हंड्रेड मील्स अवे मैं रहता हूँ वो सौ मील दूरी पर फ्रॉम पम्बूपति से। आई हैव हियर्ड अबाउट मैंने सुना है द विलेज इस गांव के बारे में। बट आई हैड नेवर बीन देयर लेकिन मैं यहाँ कभी गया नहीं हूँ। देन लास्ट ईयर तब पिछले साल समथिंग टेरिबल हैपन पिछले साल कुछ भयानक घटित हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड मेरे गांव के जो लोग हैं वो पागल हो गए। फॉर फार फार अवे इन अ प्लेस दूर दूर के लोग दे हैव नेवर इवन बीन टू जिन्होंने कभी मतलब जो वहाँ कभी गए नहीं थे। अ मॉस्क्यू और टेम्पल हैड बीन बर्न डाउन जो मंदिर है और जो मस्जिद है वो जला दिए गए। एंड दे वेंट मैड और वो पागल हो गए। दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया फाइटिंग लड़ना विद वन अनदर एक दूसरे से। सम हैड टू रन अवे इन द मिडिल ऑफ द नाइट कुछ सम हैड टू रन अवे कुछ उनमें से भाग रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द नाइट रात के बीच में ही। एंड एट द थ्री इन द मॉर्निंग और सुबह के 3 बजे। एज आई ले इन माई हाउस जब मैं मेरे घर में सोया हुआ था। हाफ अवेक आधा जगा हुआ टू द साउंड आवाज से ऑफ हेट घृणा एंड वॉयलेंस हिंसा की। देयर वॉज अ फायर तब वहाँ आग लगी। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर बहुत सारे घर इस आग में जला दिए गए। वन ऑफ देम वॉज माइन उनमें से एक मेरा भी था। मैंने संतुलन बनाया है फिर घट्टा किया। टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ कुछ कपड़ों को जल्दी से। सम कॉइंस कुछ पैसे। माई लिटिल गणेशा स्टैचू मेरे गणेश जी की मूर्ति। एंड आई रैन और मैं दौड़ा। आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट मैं एक दिन और एक रात दौड़ा। रेस्टिंग आराम करता वैन एवर जब भी माई लेग्स मेरे पैर वुड नॉट कैरी मी नहीं ले जाते थे मुझे एनी फर्दर आगे। आई जंप्ड ऑन टू अ ट्रेन मैं ट्रेन में गया। देन ऑन अ बस फिर बस में। नो टिकट्स मेरे पास कोई टिकट नहीं थी। नेवर माइंड एवरीवन सीम्स टू बी रनिंग कोई बात नहीं लेकिन क्योंकि सभी दौड़ रहे थे। फाइनली अंत में आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बूपति अंत में मैंने अपने आप को पम्बूपति में पाया।
एंड आई सा सम विलेजर्स, और मैंने कुछ गांव के लोगों को देखा गैदर्ड इकट्ठा हुए नियर अ वेल, कुएं के पास में। आई रैन टू देम, मैं उनके पास दौड़ा। एंड बिफोर, और पहले, आई कुड से आई थिंक, मैं कुछ कहता, आई फेंट इट, फेंट होता है बेहोश होना, मैं बेहोश हो गया। वैन आई ओपन माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, वैन जब आई मैं, मैंने ओपन मेरी सॉरी खोली माई मेरी आईज आंखें, आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, विद वाइट हेयर, सफ़ेद बालों के साथ में, वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी एंड शाइनिंग ब्लैक आईज, और चमकती हुई काली आंखें, बैंडिंग आवर भी मेरे ऊपर झुका हुआ था। यानी कि जब मैंने आंखें खोली तो एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद दाढ़ी थी और काली चमकती आंखें थी, वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने मेरी देखभाल की, पुटिंग फूड इन माई माउथ, उसने मुझे खाना खिलाया, एंड ड्रिंकिंग मी स्वीट, और मुझे मीठा कूल ठंडा पानी, वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, झरने से नदी से लाकर पिलाया। ही रब्ड माई फिट जेंटली, उसने मेरे पैरों को आराम से रगड़ा या फिर मसला, एंड मेड द पेन गो अवे, और मेरे दर्द को दूर किया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरी वन कैम टू विजिट मी, पड़ोसी, अजनबी, एवरी वन, प्रत्येक व्यक्ति कैम आया टू विजिट मी, मुझसे मिलने के लिए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, आई सेड टू हिम वन डे, मैंने उनसे कहा वन डे एक दिन, टेल मी ग्रैंडफादर, दादाजी मुझे बताओ, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स, मैंने कभी नहीं देखा है पीपल लोगों को लाइक के जैसा, द विलेजर्स इस गांव के लोगों के जैसे, हेयर जो यहाँ है, इन माई विलेज, मेरे गांव में पीपल फाइट, लोग लड़ते हैं विद दोज, उनके साथ में, हु प्रे टू गॉड अनदर गॉड, जो दूसरे भगवान की प्रार्थना करते हैं, बट हेयर, लेकिन यहाँ दिस सीम्स, लेकिन यहाँ अलग, दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन यह कुछ अजीब स्थान है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, प्रेम, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पम्बूपति, मैं तुम्हें पम्बूपति की कहानी सुनाऊंगा या फिर बताऊंगा, यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस कहानी को अपने गांव वापस ले जाना, मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड, क्या पता इट विल हील, यह सही कर दे सम ऑफ इट्स वाउंड, इसके घाव, एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और इसके घाव को कुछ सुखा दे, यानी कि कम कर दे, दूर कर दे। हो ग्रैंडफादर, आई सेड एनक्योसली, मैंने उत्तेजना के साथ कहा, दादाजी डोंट से दैट, ऐसा मत कहिए, बट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद सेम, बट आई हैव सीन इन माई विलेज, जो मैंने मेरे गाँव में देखा है मेक्स मी बर्न, मुझे जलाया विद सेम, यह शर्मिंदा की बात है। आई नेवर, मैं नहीं, नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहता वापस, मैं वो कभी वहाँ वापस नहीं चाहता, बट दैट एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, लेकिन इसी कारण तुम्हें कहा वहाँ वापस जाना चाहिए। ही सैड, उसने कहा इन अ सॉफ्ट वॉइस, मधुर आवाज़ में, आई कैप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा, आई डिडंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम, क्योंकि मैं उनसे अधिक बहस करना नहीं चाहता था, एंड आई वॉन्टेड टू हीयर हिज स्टोरी, और मैं उनकी कहानी को सुनना चाहता था। तो देखिए, इस चैप्टर है, एक पम्बूपति गांव है, उसके बारे में, एक लड़का है प्रेम, वो एक गांव, अपने गांव में रहता था, उनके गांव के लोगों के आपस में मंदिर और मस्जिद के ऊपर लड़ाई होने लगी, उस लड़ाई में उसे अपना गांव छोड़कर कहां जाना पड़ा, पम्बूपति में, पम्बूपति में वो एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, उसने उसकी देखभाल की, और बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें वापस अपने गाँव में जाना चाहिए, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।